अस्सलाम वालेकुम हाय फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एमएक्स प्लेयर के चीट ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये चीट ट्रिक्स कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों, इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे फोल्डर्स यहाँ पे हमारे सामने हैं, इनको हम कैसे इनकी वीडियोस को डायरेक्टली यहाँ पे शो करें, ताकि जैसे हम ओपन करें तो हमारे लिए यही आसानी हो कि हम इनके वीडियोस को देख सके और इनको आसानी से स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो व्यू वाला ऑप्शन हमारे पास है इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ऑल फोल्डर्स पे इस वक्त मार्क मौजूद है, तो इस मार्क को हमने फाइल्स पे चेंज करना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो लुक था वो चेंज हो गया। तो इस तरह से हमें आसानी होगा कि हम कैसे जिस वीडियो को हम चाहे इसको चला सकते हैं यहाँ से। जो एमएक्स प्लेयर के अंदर जो थीम दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं व्हाइट एंड ये जो ब्लू सा दिख रहा है हमें, इस थीम को कैसे हम चेंज करें। तो सबसे पहले आप थ्री डॉट्स वाले जो प्रीवियस था उस क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जो लिस्ट वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद जो थीम वाला ये ऑप्शन फर्स्ट पे हमारे पास है इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से जो आपकी मर्जी जो चाहे आप थीम ले सकते हैं यहाँ से। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा दोस्तों इसको, ठीक है। तो अब मैं वापस बैक चला जाऊंगा। बैक जाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इसका थीम चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप इसको कुछ खास बना सकते हैं, इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक के बारे में दोस्तों। जैसे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये वीडियो चल रहा है, अचानक मेरा जो हाथ है इस पे लग गया तो ये बैक हो गया। कुछ वक्त हमारे साथ ऐसा होता है कि मोबाइल गिर जाता है तो ये बैक बटन का जो ऑप्शन होता है ये खुद ब खुद या क्लिक होता है या जमीन पे लग के क्लिक होता है। हम देख रहे होते हैं जो वीडियो या जो मूवी वगैरह, तो वो बैक हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं अब कैसे इसको स्टार्ट कर ले वापस उधर से। तो एमएक्स प्लेयर के अंदर यही चीज पहले से भी मौजूद है, अगर आपने बैक किया हुआ है तो आप रिजम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसको ये खुद ब खुद फर्स्ट क्लिक पे बैक ना हो, तो इसके लिए थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद जो प्लेयर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे जरा आइए तो यहाँ पे आपको मिलेगा डबल टैप द बैक बटन, इसको मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद दोस्तों आप वापस बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद कोई भी वीडियो आप स्टार्ट कर ले, तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कर दिया इसको मैंने, अभी मैं बैक का बटन दबाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इसको मैं बैक करूंगा तो यहाँ पे देखिए प्रेस द बैक बटन अगेन टू रिटर्न। तो इसका मतलब ये होता है एक बार क्लिक करने से ये बैक नहीं होता है, डबल क्लिक करने से ये बैक होता है, तो इसका यही फायदा होता है। तो ये देखिए दोस्तों बैक हो गया। एमएक्स प्लेयर के अंदर स्पेशली जो वीडियो आप चला रहे होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा इसका जो आवाज है ये 15 तक है, इसको मैं 15 तक, इससे ज्यादा ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद दोस्तों इसको बैक करें। बैक करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद तो डिकोडर, डिकोडर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में मिलेगा यूज HW+ डिकोडर, तो इसको आप मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद बैक चले जाइए, फिर से वही वीडियो आप स्टार्ट कीजिए। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी देखिए दोस्तों ये पहले 15 तक था, अभी तक भी 15 है। तो इस पे और क्या सेटिंग करना है ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ ऊपर HW इस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे HW+ डिकोडर वाला ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो अभी आप देखेंगे ये देखो दोस्तों 30 तक ये इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है इसमें बहुत ज्यादा फायदा है, हमें आवाज ज्यादा सुनाई देगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रिक की तरफ। डिस्प्ले सेटिंग्स के बारे में, डिस्प्ले सेटिंग्स होते क्या है तो भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। इसी वीडियो को मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो के जरिए,
दोस्तों इसको मैं स्टॉप करूंगा। अभी आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हल्का ऑरेंज सा कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ऊपर नीचे, तो इसकी डिस्प्ले सेटिंग यानी कि इसकी कलर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों थ्री डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं इस पे क्लिक कीजिए। थ्री डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेकेंड पे डिस्प्ले का, इस पे क्लिक कीजिए। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इनमें से आपको करना क्या है, ये जो फ्रेम वाला ऑप्शन है ये इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो फ्रेम वाला ऑप्शन पे आपने जैसे क्लिक किया तो अभी यहाँ से इसको सेट कर दीजिए। तो मैं अभी इसको सेट कर दूंगा। तो चलिए अब इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद बैक करें। अब देखिए दोस्तों इसका लुक कैसा लग रहा है आपको। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है सिक्स वाला ये बहुत ही मजे की ट्रिक है, क्योंकि इसमें जो है बच्चों की खेल की कुछ खास तरीका है। अब आप वीडियो चला रहे होते हैं तो बच्चे जो आपके पास है वो अक्सर बेशतर मोबाइल को हाथ लगाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा ट्रिक मैमिक्स प्लेयर के अंदर मौजूद है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद जो प्लेयर वाला हमारे पास ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे फोर्थ में मिलेगा कंट्रोल्स, इस पे क्लिक कीजिए। कंट्रोल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है ये जो लॉक मोड वाला, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे थर्ड पे हमारे पास किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिए। अब बैक जाइए, ओके करें। बैक जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ से कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैं स्टॉप करूंगा इसकी। अब मैं यहाँ पे इस पे लॉक लगा लूंगा। तो देखिए मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूंगा, यहाँ से लॉक लगा लूंगा, ठीक है। अब लॉक लगा दिए, वीडियो भी चल रहा है आपके सामने है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बच्चे के हाथ में दूंगा ताकि बच्चे भी खेल सके इस पे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टच करूंगा तो आप देखेंगे क्या होता है। अब देखो दोस्तों बच्चे कुछ भी कर ले तो उनको मज़ा आता है यहाँ पे, लेकिन हमारा जो काम है वो डिस्टर्ब नहीं होता यहाँ से, और उनका भी काम चल जाता है, हमारा भी काम चल जाता है। इसमें हम सुन सकते हैं, वो यहाँ पे खेल भी सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है चारों तरफ आपको एक एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये खुद बहुत अनलॉक हो जाता है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये खुल गया। तो इस तरह से दोस्तों आप एमएक्स प्लेयर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिक्स मौजूद है, लेकिन मैं आपको जो खास ट्रिक्स थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफिज़।